हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। खबर बिहार में बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर सदन से लेकर बाहर तक एनडीए की दोनों प्रमुख पार्टी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया। और इस पर पहले तो सदन में ही सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रोक टोक कर दिया। फिर जब बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आंकड़ों के साथ विरोध पर उतर गए और उन्होंने कहा कि ललन सिंह के एक एक सवाल का जवाब आंकड़ों के साथ देना शुरू कर देंगे। और जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार को आईना दिखाते हुए बताया कि सरकार अपनी नाकामियों की वजह से बिहार का विकास नहीं कर पा रही है और फिलहाल जेडीयू और बीजेपी आमने सामने टक्कर में है। बड़ी खबर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई भर्तियां निकाली है। इस पर योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन भरने के लिए ESIC की आधिकारिक वेबसाइट ESIC.NIC.IN पर आवेदन करना होगा। ESIC ने 3,882 पदों पर वैकेंसी निकाली है और 10वीं और 12वीं पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के कई शहरों में भर्तियां होगी और इनमें कोलकाता, देहरादून, कानपुर, हैदराबाद सहित अहमदाबाद, पणजी, नई दिल्ली, रायपुर, पटना, विजयवाड़ा, असम भी इसमें शामिल है। और बिहार में कोरोना के संक्रमण दर में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में बड़ी छूट का ऐलान कर दिया है। सभी शिक्षण और प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे। 8वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खोले जा पाएंगे। 8वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान के बाद वहीं 9वीं एवं उच्चतर कक्षाओं से संबंधित स्कूल और कॉलेज, कोचिंग व छात्रावास व उनके कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। अन्य शिक्षण संस्थान 20% उपस्थिति के साथ खुल पाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद CM नीतीश कुमार ने रियायती की घोषणा की है। मंत्री मुकेश सैनी ने किया बड़ा दावा, 2025 में बनेंगे मुख्यमंत्री। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन जय ज्यादा बढ़ गया है मुकेश सैनी में। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जो आजकल मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर रहे हैं। वह साफ साफ कह रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा काम करेंगे जो किसी ने नहीं किया है। हालांकि बिहार में इनके पास मात्र 3 ही विधायक है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में यह दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ यह बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गया के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के ईस्ट केबिन के निकट गया से जा रही स्पेशल एयर ट्रेन की 3 बोगियां डेरेल हो गई। स्पेयर ट्रेन में 21 सवारी नहीं होने से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे करीब 3 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। बताया जा रहा कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे गया कोडरमा रेलखंड पर पहाड़पुर रेलवे स्टेशन यार्ड MT कोचिंग रेक का इंजन 6ठे कोच से लेकर 3 बोगियां पलट गई थी। और बिहार में विकसित किए जाएंगे वेटलैंड्स, बनेगा टूरिस्ट स्पॉट। सरकार ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। सरकार राज्य के वेटलैंड्स को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बना रही। ये पानी प्रबंधन के बेहतरीन स्रोत के रूप में भी चिन्हित किए गए। इसके लिए बनाई गई समिति में संबंधित जिले के DFO मेंबर, सेक्रेटरी और अन्य विभागों के जिला स्तरीय प्राधिकारी सदस्य होंगे। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार राज्य के वेटलैंड्स को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बना रही। और बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बार बार का झंझट किया खत्म। 1,81,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड एक बार बनने के बाद लाभार्थी परिवारों को फिर से दूसरा राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि पटना सरकार की ओर से बार बार राशन कार्ड बनाने के झंझट से दूर करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना पर जल्द ही अमल होगा। खबर, बिहार में कांग्रेस की बड़ी मांग, RJD हार की फिर से एनालिसिस करें। कांग्रेस और राजद के रास्ते फिलहाल बिहार की राजनीति में अलग हैं और राजद को यह लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने से ही तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस तर्क को काटते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा कि राजद को फिर से विश्लेषण करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग पर ही उनकी पार्टी महागठबंधन में कांग्रेस का साथ छोड़ अकेले लड़ी है और उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे कि किसको क्या फायदा हुआ। जानकारी है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही कांग्रेस से दुखी हैं और 70 सीट लेने के बाद कांग्रेस ने महज 19 सीट पर जीत हासिल की थी। और उत्तर बिहार में कोल्ड डे के आसार, न्यूनतम तापमान में कमी के कारण ठंड का असर अधिक होने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट किया है। हालांकि दक्षिण बिहार में इसका खास असर नहीं होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटे तक कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 19 जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाएगा।
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में ठंडी एवं शुष्क उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह सतह से 3 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इस स्थिति से यह पता चलता है कि अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा और इस दौरान तापमान में कोई उल्लेखनीय बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। अगली खबर, भागलपुर के शहद का स्वाद अब राजधानी पटना के लोग चखेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा, इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान प्रदीप कुमार ने कहा कि अब हम लोगों को बाजार उपलब्ध होगा, इससे हमारे काम को बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। और कहा गया कि बाजार नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर अब उद्योग विभाग की इस पहल से लोगों को काफ़ी उम्मीद जगी है। अगली खबर, देश में करीब एक महीने बाद कोरोना केस 1 लाख से नीचे पहुंच गया है। आपको बता दें कि संक्रमण के 83,876 नए केस सामने आए। इस दौरान 1,99,054 मरीज ठीक हुए और 895 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को 90,228 केस आए थे। 4 जनवरी को 58,097 नए केस मिले थे। इससे पहले कोरोना संक्रमण के 1,07,474 नए मामले दर्ज किए गए थे और 865 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।